नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। इस कहानी में एक्शन है, थ्रिल है, ड्रामा है, सस्पेंस है। मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं आपको गठबंधन की कहानी सुना रहा हूं जो आजसू और बीजेपी के बीच चल रही थी। ये कहानी अब जहां तक पहुंची है उसको हम बहुत हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एंडिंग के बहुत करीब कह सकते हैं। साफ है गठबंधन टूटने के कगार पर है या लगभग टूट चुका है। सीटों की घोषणाएं हो रही हैं, प्रत्याशियों की घोषणाएं हो रही हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है उस पर हम आज चर्चा कर लेंगे। पहले एक घटनाक्रम को समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आजसू के बीच गठबंधन को लेकर बहुत सारी बातें होती रहीं। आजसू ने कल कुछ कहा, परसों फिर आजसू ने कुछ कहा था, बीजेपी की तरफ से भी कुछ बयान आते रहे, और ऐसा लगता रहा कि शायद गठबंधन देर से ही सही, कुछ सीटों की कमी बेसी पर ही सही गठबंधन हो जाए। लेकिन आज वो कहानी निश्चित रूप से अंत की तरफ बढ़ती दिखी, और एक तरह से भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस गठबंधन को लेकर बहुत दिलचस्पी अब नहीं रखता। लड़ने जा रहे हैं? जी हाँ, हम अकेले लड़ रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्वक से लड़ेंगे, बहुत हिम्मत के साथ लड़ेंगे। अब आंसू से तमाम दरवाजे बंद हो गए बात के? फिलहाल तो स्थिति ऐसी ही है। सर, हुसैनाबाद सीट पे विनोद सिंह है, निर्दलीय उम्मीदवार है, उनको बीजेपी फाइनली और सपोर्ट करने जा रही है? जी हाँ, विनोद सिंह को हम समर्थन दे रहे हैं, और वो एक तरह से कह सकते हैं वो हमारे ही उम्मीदवार हैं। कब ये उम्मीदवार? सर, अब जो है आप लोग ईमान के चला जाए कि बीजेपी सभी सीटों पर अपने दम पे लड़ेगी? जी हाँ, हम अपने दम पे लड़ेंगे, खूब मजबूती से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। थैंक यू। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने ये बातें दिल्ली में प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर से मुलाकात के बाद कही, और इसके साथ ही हमारी खबर पर मुहर भी लग गई। न्यूज 11 भारत ने सबसे पहले आपको दिखाया था एनडीए टूट गया है, और अब बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले ताल ठोकेगी। इतना ही नहीं, हमने आपको सबसे पहले बताया कि बीजेपी हुसैनाबाद से विनोद सिंह का समर्थन करेगी, और हमारी इस बात की तस्दीक भी महेश पोद्दार ने दिल्ली में कर दी। आप अकेले लड़ने जा रहे हैं? जी हाँ, हम अकेले लड़ रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्वक से लड़ेंगे, बहुत हिम्मत के साथ लड़ेंगे। अब आंसू से तमाम दरवाजे बंद हो गए बात के? फिलहाल तो स्थिति ऐसी ही है। सर, हुसैनाबाद सीट पे विनोद सिंह है, निर्दलीय उम्मीदवार है, उनको बीजेपी फाइनली और सपोर्ट करने जा रही है? जी हाँ, विनोद सिंह को हम समर्थन दे रहे हैं, और वो एक तरह से कह सकते हैं वो हमारे ही उम्मीदवार हैं। सर, अब जो है आप लोग ईमान के चला जाए कि बीजेपी सभी सीटों पर अपने दम पे लड़ेगी? जी हाँ, हम अपने दम पे लड़ेंगे, खूब मजबूती से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। थैंक यू। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साफ साफ तो नहीं पर इशारों में ही हमारी खबर पर मुहर लगा दी थी। सर, पार की बात आपने साथ में कही थी, आज आप साथ नहीं, आपको तब समझने में भूल होगी। वहाँ जो कोर कमेटी दिल्ली में अध्यक्ष जी की बैठक हुई थी, आप अपना पुराना रिटर्न निकाल लो, भारतीय जनता पार्टी का नारा था आपकी बार 65। चलो, लेकिन अकेले नारा आप लोग पूरा कर लेंगे ना? पूरे देश में पूरा कर लिए तो जान। अगर समझें तो बस इतनी सी बात में सीएम रघुवर दास ने सब कुछ कह दिया, और अगर ना समझें तो ये वो मंत्र था जो बीजेपी के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी था। बहरहाल अब ये तय हो गया कि बीजेपी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ रही है, और एक बार फिर ये तय हो गया कि चुनाव मतलब न्यूज 11 भारत। दिल्ली से ऋषिकेश के साथ न्यूज 11 भारत। तो ये बातचीत जो कुछ भी आपने सुनी वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर थी। अब सीधे चलेंगे, आजसू नेता देवशरण भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारे रिपोर्टर हैं आकाश। आकाश, अब क्या स्टैंड है आजसू का, क्या बता रहे हैं देवशरण भगत? जी देखिए, जिस तरह से जी देवशरण भगत जी से अभी हमारी बात हुई, हालांकि अभी अभी वो यहाँ मौजूद थे, और थोड़ी ही देर में वो तुरंत यहाँ आने भी वाले हैं, और अपनी खुद ही अपनी बातों को यहाँ रखेंगे। लेकिन अब आजसू का जो स्टैंड है, आजसू का कहना है कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आजसू पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार गठन के बाद भी कभी भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया। इसीलिए पार्टी इस बार मांग कर रही है कि चुनाव से पहले कॉमन एजेंडा होना चाहिए, और जब चुनाव के बाद सरकार का गठन
गठन हो तो उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार का जो कटु अनुभव रहा है कि जिस तरह से पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया, सरकार का गठन कराया, लेकिन 5 साल तक कभी भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नहीं किया गया, न ही आंसू के एजेंडों को, आंसू के मुद्दों को उठाने का काम किया गया। इसके अलावा आंसू का यह भी कहना है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सीट शेयरिंग पर ही बात कर रही है, मुद्दे क्या होंगे, इश्यूज क्या होंगे, इसको लेकर के आंसू से अब तक कोई बात नहीं हुई, जबकि आंसू ने अपने एजेंडे। जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीट छोड़ रही थी, क्या ये तमाम शर्तें उस वक्त रखी थी आंसू ने कि विधानसभा में जब हम लड़ेंगे तो हम पहले आपसे कॉमन एजेंडा मांगेंगे, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मांगेंगे और तभी हम फिर आगे बढ़ेंगे? क्या ये बातें उस वक्त क्लियर हुई थी या ये बाद में ऐड की गई हैं? जी, ये तो देवशरण भगत यहाँ आएंगे, मौजूद होंगे, तब हम उन्हीं से पूछ लेंगे कि क्या कुछ बातें हुई थी उस वक्त, इन लोगों ने आपस में क्या कुछ तय किया था और किस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ा था। लेकिन अभी इन लोगों का जो कहना है वो यही अब तक समझ में बात आ रही है कि जैसा कि माथुर ने दिल्ली में बयान दिया कि कॉमन एजेंडा की बात होनी चाहिए, तो कॉमन एजेंडा में वो अपनी बातों को भी रखते और उनकी भी 2-4 बातों को कॉमन एजेंडा में जोड़ दिया जाता, मैनिफेस्टो में जोड़ दिया जाता। जबकि आंसू का यह भी कहना है कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, न कि एनडीए का मैनिफेस्टो जारी किया गया था। इस बार भी बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करती, उसमें आंसू की 2-4 बातों को जोड़ दिए जाने की जो बात कही जा रही है उसमें उससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। तो इस तरह से आंसू के पास अपने कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के आंसू पार्टी अपनी बातें रख रही है। हालांकि अब देवशरण भगत जी से हम जुड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो पास में मौजूद है लेकिन मीडिया ने उन्हें घेर रखा जिसकी वजह से उनसे सीधे सीधे हमारी बात नहीं हो पा रही, लेकिन हम उन्हें बुलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और तमाम सवालों का उनसे हम जवाब लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब वो आपके पास आ जाएं, जब आपके पास आ जाएं आकाश, फिर हम आपके पास लौटते हैं। दिल्ली से हमारे साथ ऋषि जुड़े हुए हैं, ऋषि से समझने की कोशिश करते हैं। ऋषि, जो बातें हैं उसमें कहीं कुछ बचता दिखता नहीं है इसमें? यह अलग बात है कि उन्होंने कहा अब ये जो अब का दौर है वो सिर्फ इतना है कि बीजेपी ये नहीं चाहती कि ये ठीकरा फूटे, लेकिन इससे पहले कि आपके पास पहुंचे, देवशरण भगत पहुंच चुके हैं आकाश के पास, आकाश आप उनसे पूछिए कि अब क्या दोनों पार्टी सिर्फ अपना बचाव इसलिए कर रही हैं कि ये जो गठबंधन टूटा उसका ठीकरा उनके सर पे ना फोड़ दिया जाए, अब सिर्फ उतनी औपचारिकता भर रह गई है, गठबंधन बनने के अब कोई आसार नहीं है? जी हाँ, देखिए देवशरण जी, जो कि आंसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, आपसे स्टूडियो से एक सीधा सीधा सवाल है कि अब जो बातें कही जा रही हैं, चूंकि गठबंधन लगभग टूट चुका है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने बचाव में अपने अपने तर्क पेश कर रही हैं, अभी ओम माथुर ने दिल्ली में बहुत कुछ कहा जो आपने खुद देखा और सुना, तो अब जो बातें कही जा रही हैं कि सिर्फ अपने बचाव में कि गठबंधन टूटने का ठीकरा हमारे सिर न पड़े, बीजेपी उसके लिए ऐसा कह रही है, आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैंने भी आदरणीय ओम माथुर जी के बयान को सुना है, उन्होंने सीट के संदर्भ में ही बताया कि आज जो तीसरी लिस्ट जारी हुई है उससे पहले दूसरी लिस्ट जारी हुई थी और एक पहली लिस्ट जारी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैंने ये बात जिसके चलते परेशानी हो रही थी, भाई छोटा भाई है, छोटा तो है ही, निश्चित तौर पर अभी तो सिर्फ सीटों की बात हो रही थी और सीट के संदर्भ में ही उन्होंने हमसे बिना सहमति लिए 52 सीट जारी किया था, हमने कुछ नहीं कहा, एक सीट जारी किया हमने कुछ नहीं कहा, आज 15 सीट की जारी किया हमने कुछ नहीं कहा, हमने भी सिर्फ 12 लिस्ट जारी की है, तो सीट में केवल पैसेंजर चढ़ाने से गाड़ी टूट गई ऐसा तो हम कहीं नहीं सुने हैं, इतना कमजोर गाड़ी तो नहीं होना चाहिए जो टूट जाए, पता नहीं। और उन्होंने कभी भी अभी गठबंधन के बारे में कुछ बात नहीं कही, उन्होंने कहा कॉमन एजेंडा के संदर्भ में निश्चित तौर पर हर पार्टी या अगर एक साथ जा रहे हैं तो संयुक्त रूप से एक अपना कॉमन एजेंडा होना चाहिए कि हम क्यों जनादेश लेना चाहते हैं,
ये कॉमन एजेंडा बनना चाहिए, किन विषयों को लेकर चुनाव में जाए, ये हम लोग चाहते हैं। जी आप लोगों ने कॉमन एजेंडा की बात को बीजेपी के सामने रख भी दिया, फिर कॉमन एजेंडा आप लोग तय क्यों नहीं कर पाए, किससे कमी रह गई, कौन पीछे रह गया? सब बड़े भाई से पूछिएगा आखिर इस सब कारणों के पीछे क्या कारण है। कोई ना कोई हम हमेशा नोट रिचरी पुल वाला में नहीं रहे, ऐसे टावर कट गया है ऐसा स्थिति में हम हमेशा कम्युनिकेशन में रहे हैं। हम लोग जा कर के बात किए हैं, पहले बात किए हैं, लिफ्ट भी दिए हैं, बात को भी रखे हैं, हम इंतजार करते हैं कि इन पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। निर्णय थोपने से सहमति नहीं बनती, निर्णय बैठ के लेना चाहिए। आकाश बहुत सीधा सवाल एक बन जाता है, सीधा सवाल ये बन जाता है, ओम माथुर ने कहा अभी भी 9 सीट छोड़े हुए हैं उन्होंने और वो सम्मान के लिए ही छोड़े हैं, जो बातें इनसे थी उसी बात के सम्मान के लिए छोड़े हैं। क्या आपको लगता है कि आजसू पहल करेगी उस दिशा में? बहुत स्पष्ट जानना जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ही सीधा सा सवाल है। ओम माथुर ने दिल्ली में जो बयान दिया उसमें कहा कि आजसू के मान सम्मान का ख्याल रखते हुए अभी भी हमने 9 सीटें छोड़ रखी हैं, हालांकि ये 9 सीटें आपको ऑफर नहीं की गई हैं, अभी स्पष्टीकरण उन्होंने दे ही दिया, लेकिन 9 सीटें आपके मान सम्मान के लिए उन्होंने छोड़ी हैं, यानी कि अपनी ओर से बीजेपी ने अब भी रास्ते खोल रखे हैं, तो क्या आपकी ओर से कोई पहल होगी? मैं भी बड़े भाई का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सीट छोड़े हैं, पिछले बार भी छोड़े थे और कितना खेती हुआ था उसका हिसाब भी है हमको, उसके गठबंधन के बाद भी बाहर से खोजना पड़ा, इस बार ना खोजना पड़े उसकी चिंता हमको। यानी कि आपको बीजेपी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं ऐसा, ये तो अपने बोल रहे हैं, हम कह रहे मेरा बड़ा भाई हम बड़ी सम्मान करते हैं, उनके पद चिन्ह पे चल रहे हैं, उनके आदर्श को पालन करते हैं, जैसा जैसा करते हैं वैसे करते हैं। तो यहाँ देखा जाए गंगेश जी, तो कहीं ना कहीं आजसू गेंद को हर बार बीजेपी के पाले में डाल रही है और यह कहते हुए बहुत साफ है, आकाश बहुत साफ है, गलत फहमियां हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन सा केंद्र था जहां से गलत फहमी की शुरुआत हुई? लोकसभा सीट छोड़कर बीजेपी ने अपने एंड से ये बताया था कि वो इस गठबंधन को लेकर गंभीर है, फिर अचानक कुछ शर्तें उठती हैं अगर दोनों पार्टी के बीच में जिससे ये गठबंधन टूटता है, तो स्वाभाविक सवाल उठेगा कि आखिर इसका दोषी कौन है? जी बिल्कुल, देवसरन जी ही इसका जवाब दे सकते हैं कि बीजेपी ने आपको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया और गठबंधन को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह की संसदीय सीट को, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उस सीट को आपके लिए बीजेपी ने छोड़ दिया, जहां से चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़े और बकायदा जीते भी, और उस तो बीजेपी का कहना है कि वह अपनी ओर से गठबंधन को इंटैक्ट रखने के लिए पूरी तरह से सचेष्ट रही। तो फिर ये गलत फहमियां कहां से शुरू हुई कि आज यह नौबत आ पड़ी? हमारा भी थोड़ा इतिहास जान लीजिए, हम एक भी थे तो उन्हीं के साथ थे, दो भी थे तो उन्हीं के साथ थे, पांच भी थे तो उन्हीं के साथ थे, आज भी उन्हीं के साथ है, कौन दिन हम तोड़ने की बात की? अगर कुर्बानी का कोई बात करता है तो पिछले बार हमारा 14-15 पे तैयारी था, 8 में कुर्बानी दे करके हम लोगों ने कई एक साथियों को छोड़ा, घर बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी बोलता है कितना कुर्बानी चाहिए, रोज एक आदमी को परीक्षा लिया जाएगा, छोटका भाई कह के खुद हड़काता है। चलिए तो पार्टी पार्टी क्या मतलब कि आपने बराबर कुर्बानियां दी, अब बीजेपी से कुछ जी, अब आपकी पार्टी या आप क्या चाहते हैं? हमारी पार्टी स्पष्ट है और हम पूरे क्लियर हैं कि निश्चित तौर पर एक मजबूत सहयोगी बनना चाहते, मजबूर नहीं, पिछले बार की जो कमी थी वो दूर करना चाहते, एक साथ हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, लेकिन गठबंधन चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पर एक मंच तो होना चाहिए जहां हम अपनी बात रख सके, एक मंच नहीं, कोई पंच नहीं, आखिर कैसे चलेगा? वो कैबिनेट में कोई विधायक बैठ के निर्णय लेता है, वो संगठन का निर्णय होता है क्या? संगठन का निर्णय होता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, जो कमी था जिसके चलते हमको सदन में भी और सड़क में भी आवाज उठाना पड़ा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो सरकार गठन के बाद होगा, कॉमन एजेंडा बाद ही कह रहे हैं, हम कह रहे पिछले बार ये चीज की कमी थी, इस बात को कह रहे हम लोग, तो इस बार
कॉमन एजेंडा बनाओ, चुनाव से पहले तो एजेंडा बनता है, उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है कि सरकार क्या करेगी, लेकिन उसके लिए तो संगठनिक रूप से एक साथ बैठना पड़ता है। ओम माथुर जी ने तो यह भी ऑफर दिया था कि अपनी बातों को आप बीजेपी के सामने लाइए, जब मैनिफेस्टो जारी करेंगे तो दो चार आपकी बातों को भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। सहयोगी है ना, तो साथ में मिलकर ना करेंगे, ऐसा नहीं कि देखिएगा भैया थोड़ा पैरवी पार्टी का झारखंड पैरवी से मिला था, लड़ के लिया गया है झारखंड, ये स्वाभिमान का राज है, इसको हरियाणा पंजाब से तुलना नहीं कर सकते हैं, ये झारखंड संघर्ष से मिला हुआ, कोई गिफ्ट और भीख में नहीं मिला हुआ है। इस तलखी में लगता है कि चुनाव के बाद कोई स्पेस बचता है भाजपा से दोस्ती का, या फिर द एंड है पूरी तरह से? बात करने से दोस्ती टूटता है कि बात करने से मजबूती होता है, और लोकतंत्र में निश्चित तौर पर बात को मुखर तरीके से उठाना चाहिए। स्पेस बनाकर रखना चाहते हैं बीजेपी के साथ? हम अभी जनता के साथ ज्यादा बढ़िया रिश्ता रखना चाहते हैं। तो गंगेश जी, इनका जो कुछ कहना है वो आपने सुन लिया, यदि आपकी ओर से कोई सवाल हो तो आप बताएं, मैं इनसे आंसर ले लेता हूं। बस क्या सिर्फ उनसे ये जानना जरूरी है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर इंटरेस्टेड है या नहीं, सीधी सी बात है, कोई जरा भी रुचि बची है, या उनको लगता है कि जनता से लाइजनिंग करनी चाहिए, पार्टी को खुद के लेवल पर चुनाव लड़ना चाहिए? जी, अब एक अंतिम सवाल आपसे है, स्टूडियो से ही यह सवाल है कि क्या अब भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर इंटरेस्टेड हैं, सचेस्ट नहीं इंटरेस्टेड हैं, या फिर अब सीधे जनता से गठबंधन करना चाहते हैं? देखिए, पार्टी हमेशा से कहती रही है कि हम पूरे मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। मजबूती मतलब इस बार जहां लड़ेंगे वहां जीतेंगे, और जीत सुनिश्चित करना है, सीट सुनिश्चित के लिए हम लोग उतना चिंता में नहीं है। एक और सवाल का जवाब दे दिए देवसरन जी, 81 सीट नेता है आपके पास, उम्मीदवार है आपके पास, आशु के पास? हमने कहा 81 सीट की बात की है, हम तो कहे जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, सीट की संख्या नहीं बात कर रहे हैं। सीट क्रिएट हुआ, क्या 81 पे उम्मीद करें हम लोग या जनता? आशु पार्टी छोटी पार्टी है, लोग छोटा पार्टी भी कहता है, लेकिन विचार पूरे 3,29,00,000 जनता की रखती है, हम उनके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे, इस बार देखते हैं कि कैसे होता है। किसने कहा? वही लोग बोलता है ना, छोटा पार्टी छोटा, नहीं हम भाजपा का क्यों दिखाएं, हम अपने। जी गंगेश जी, तो देवसरन जी ने जो कुछ कहा हमने सुना, आपने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना, वो इंटरेस्टेड नहीं है ऐसा लगता है आकाश, कि उनका इस गठबंधन में अब दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसा ही कहा जा सकता है कि अब आशु पार्टी गठबंधन को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और आशु पार्टी के पास चूंकि लगातार नेता आ रहे हैं, और अच्छे और कद्दावर दिग्गज नेता आ रहे हैं जो लगातार पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब हमारे पास अकेला निकल पड़ा है। हमारे पास कट है आकाश, देवशरण जी से बातचीत हुई, अब एक बार देख लेते हैं कि ओम माथुर ने क्या कहा, आप दोनों की बातें सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से दरार है और किस तरह से ये हम कह सकते हैं गठबंधन खत्म हो चुका है। गठबंधन को लेकर जो उम्मीदें थी वो अब लगभग खत्म हो गई। आप तीसरी सूची को तरीके से देखें, तीसरी सूची में हमने 9 सीटें छोड़ रखी है, अभी उनको देखना है कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। पार्टी ने अपना काम चैप्टर खुला रखा है। नहीं, लेकिन वो तीसरी सूची में ही देख रहे थे कि चंदन क्यारी को लेकर के कहा जा रहा था कि पार्टी अपने जीत पर खड़ी है। तो पहले जगह कहा जाए, वो तो हमारे राज्य प्रदेश अध्यक्ष जी की सीट पे भी कह रहे हैं, उनका कहना एक तरफ कहना तो नहीं चलेगा ना। आखिर जब अलायंस होता है तो अलायंस की दोनों पार्टियां साथ बैठ करके तय करती ना सीटें, इसलिए वो तो कुछ भी कर दे उसका थोड़ी सवाल है, उनके कहने कोई मैं अकेला कहने से नहीं, साथ बैठेंगे तो जॉइंटली बात होगी, इसलिए वो कुछ भी तो 81 पे कह सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं हम। नहीं, लेकिन लेकिन सर, जो हम लोग बात कर रहे थे आशु के पक्षकारों से, खुद सुदेश महतो से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि शुरू में ही जब हम प्रभारी से मिले थे तो दो चीजें उन्होंने कह दी थी, एक कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, और दूसरा जो भी आप सीट देना चाहते हैं उस पर आप औपचारिक तौर पर बात करें, उन्हें कोई औपचारिक तौर पर जानकारी। एक तो मैं आपको करेक्ट करूं और सुदेश महतो जी को कहना चाहता हूं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुनाव के बाद बनना, सरकार बनने के बाद,
कॉमन एजेंडा बनता है, और एजेंडा बनने के लिए सीधा मेरे से कहा हुआ है कि हमारा घोषणा पत्र बन रहा है, आपकी भी कुछ चार बातें हो तो हमें दीजिए, हम उसमें जोड़ेंगे। ये हमने बहुत वन टू वन मैंने कहा उसको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा। इसलिए अब किसको क्या बोलना है, मिनिमम प्रोग्राम तो सरकार बनने के बाद तय होता है, एजेंडा पहले बनता है, मिनिमम एजेंडा बनता है, और ये कह चुके हैं, और सीटें उन्होंने लिख करके दी, हमने उनको राय बताई कि ये हम इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन वो बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे, और अगर मौका लगा तो मैं उनके सारे हाथ से लिखे हुए कागज भी एक दो दिन में आप सबके सामने रखूंगा कि उन्होंने कैसे कैसे किस तरीके से कागज दिए। लेकिन इस विषय में जाने का कोई मतलब नहीं है ना, अभी भी हमने 9 सीटें छोड़ रखी है। नहीं देखिए, जब आप लोग सूची का ऐलान कर रहे थे सर, तो उस वक्त हमने सुदेश महतो से बात की, वो अभी भी इंतजार में थे, अभी 10 मिनट पहले वो अभी भी इंतजार में थे कि वो आपकी सूची का ऐलान करेंगे। उनको लग रहा था कि अभी भी बातचीत उनकी जारी है और बीजेपी उनका सम्मान करेगी, लेकिन जब आपने लोहरदगा और चंदन क्यारी को लेकर उनका हमने सम्मान करते हुए ही 9 सीटें छोड़ी है, और लोहरदगा के बारे में उनसे पूछना कि फ्रेंडली फाइट होगी, इसलिए अब वो कोई भी बोले उससे क्या फालतू बातें। लेकिन एक सवाल यह है कि जब आप नारा दे रहे थे कि एनडीए का मिशन 65 पार का नारा है, अब आप अकेले चुनाव में जा रहे हैं, 5 साल आप लोगों ने सरकार चलाई है, उनके जो राजनीतिक मुद्दे हैं, और खास करके जब आप जाएंगे तो किस तरीके का मैनिफेस्टो आप करेंगे, क्या विकास का मुद्दा लेके जाएंगे और 65 पार आएंगे? आपसे कह रहा हूँ 23 तारीख को रिजल्ट के बाद आप स्वयं कैमरा और माइक दोनों लेके मेरे सामने आना। वो झारखंड की राफेल मुद्दे पर जो तो देखिए आसिया, जो बीजेपी प्रभारी को कहना था उन्होंने कह दिया, अब वो इसके जितने भी सवाल है वो जाकर रांची का जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया अभी भी उनके तरफ से 9 सीटों का आंसू को ऑफर है, 9 सीटें उन्होंने आंसू के लिए छोड़ दी है। अगर 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 आप ऑफर किया गया है, ऑफर करें खाली छोड़िए, तो देखिए 9 सीटें खाली है, 9 सीटों का ऑफर नहीं है, बीजेपी ने लगभग अपने तरफ से दरवाजे बंद कर दिए हैं, निर्णय अब आंसू को हाँ क्या बोलता है, बंद कहां से कर दिया हमने, मैं कह रहा हूँ 9 सीटें हमारे पास है अभी भी, आप कह रहे कि 9 सीटों पर अगर वो आना चाहे तो आए, वो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने 9 खाली हमारी 9 सीटें बची हुई है अभी, वो तो उस पर बात कर सकते हैं। भाई आप देखो, आप मेरी बात को समझो, आप अपने मन से मत बोलो, आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं डालना चाहिए। आज आपके 10 साल पूरे हुए चैनल को, शुभकामनाएं लो मेरी पहले तो, समझे ना आप, इसलिए आप मेरे शब्द अपने अंदर मत डालो। 10 सालों में आपका चैनल नेशनल लेवल पे आया है और आप जबरदस्ती अब मेरे शब्द अपने मुंह में डाल रहे हो, नहीं नहीं ठीक नहीं है, आप पहले ये ठीक करो ना। तो मैंने ऑफर शब्द बोला, इसका मतलब क्या है ना, मैंने कहा कि दरवाजे खुले हैं, 9 सीटें खाली हैं, किसके लिए, मैंने ये कहा कि गठबंधन धर्म में सामूहिक बैठ के, और अभी भी हमारे पास 9 सीट हमने छोड़ी हुई है, इसलिए आप अपने शब्द अपने ठीक करो ना भाई। देखिए 9 सीटें बीजेपी ने छोड़ रखी है, इसके राजनीतिक मायने जिस तरह से निकाले आप निकाल सकते हैं, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है, और जो भी सवाल के जवाब होंगे अब रांची में दिए जाएंगे, सुबह की फ्लाइट 8:50 में दिल्ली से उड़ेंगे ओम माथुर, और वहां पे पहुंचेंगे दिल्ली, और उसके बाद वहां जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब वो वहां पे बीजेपी देगी। दिलचस्प है, 9 सीटें खाली हैं, दरवाजे बंद भी नहीं है, लेकिन गठबंधन पर कुछ कहना भी नहीं है। बहुत धन्यवाद ऋषि इस दिलचस्प इंटरव्यू के लिए, और आकाश आपका भी बहुत धन्यवाद वहाँ जी आज सुपार्टी में बने रहने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें गंगेश जी, अभी तक अगर हम बीजेपी की सूची की बात करें तो 69 नाम सामने आ चुके हैं और 12 नाम अभी आने बाकी हैं। अगर हम उस लिहाज से भी देखें कि बीजेपी आने वाले वक्त में क्या उस 12 सीटों पर कोई उम्मीदवार दे रही है, नहीं दे रही है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आजसू ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है, तब हम ये कैसे यकीन कर लें कि सुदेश महतो जो कि पार्टी के सुप्रीमो हैं
आशु के, उनके खिलाफ बीजेपी सिल्ली में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अगर नहीं उतारती है तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, बीजेपी ऐसा क्यों करेगी, वो भविष्य की राजनीति को लेकर क्या सोचती है, ये सारी बातें होंगी। दूसरी तरफ अगर हम आशु के खेमे से बात करें तो आशु के अब कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे यह भी देखना होगा। और पलामू प्रमंडल की बात करें या आप कोल्हान की बात करें, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें या हम संथाल की बात करें, हर एक जगह आशु की ये कोशिश होगी अगर संबंध विच्छेद हुए हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब दो अच्छे दोस्त जुदा होते हैं तो दोनों एक दूसरे की कमजोरी को समझते हैं, उनकी उनके जो ठोस पॉइंट है उसे समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो इस लिहाज से दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे तो उनकी मजबूती के बारे में, उनकी कमजोरी के बारे में दोनों एक दूसरे पर तरीके से रणनीति के साथ राजनीति कर सकते हैं। तो ये अभी देखना होगा, थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन जैसा हम लगातार कह रहे थे कि ये दोनों ही पार्टियां जिस ट्रैक पर जा रही थी ये संभव नहीं था कि बहुत दूर तक वो सफर तय कर पाती, और यही अंततः हुआ कि आज अभी भी जो कुछ नेता उम्मीद किए हुए हैं, जो कुछ उम्मीदें हैं आशु या बीजेपी के नेताओं की, हालांकि बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, वो सीधे तौर पर अब तैयार हैं और आशु के इस पूरे व्यवहार को लेकर बहुत रुष्ट भी हैं। दिल्ली में बैठे अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात करें तो अमित शाह इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज भी हैं, ये जो जानकारी अंदर खाने से आई है। और इस नाराजगी का लेवल क्या होगा, इसके बाद बीजेपी क्या कुछ सोच रही है, या प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि 65 पार का नारा ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नारा है, बीजेपी इसे पार करेगी, स्पष्ट हो चुका है कि अब आशु और बीजेपी दोनों की राहें अलग है। और एक तीसरा जो कि महागठबंधन चुनावी मैदान में है उसे लेकर भी बीजेपी को लड़ना है, यहाँ अब थोड़ा आप कह सकते हैं कि जो बहुत आसान दिख रहा था। आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं देखिए, विपक्ष को आपने मौका दे दिया और विपक्ष को आप जब मौका दे रहे हैं और विपक्ष में कहीं कोई मतभेद नहीं है, विपक्ष अगर अपनी अपनी सीटों को लेकर, चूंकि आपको पता है गंगेश जी कि इस तरह के महागठबंधन या किसी तरह के कोई गठबंधन होते हैं, जिस गठबंधन को जिस पार्टी के जितनी सीटें मिलती है वो उस पूरी तरह से उस सीट पर अपने पार्टी को, अपनी रणनीति को फोकस करता है और उसकी ये कोशिश होती है कि उन सीटों में से ज्यादा सीटों को अपनी झोली में लाया जाए, जीत का रास्ता निकाला जाए। ये अपने आप में एक अच्छी बात। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं जेएमएम ऑफिस से, हम वहां के दृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज, अब ये लगभग तय है गठबंधन नहीं होने जा रहा है एनडीए में आजसू और बीजेपी का, तो क्या राहें आसान समझ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, या आपको लगता है कि वो बहुत सजग है, बहुत ध्यान से देख रही है? चूंकि ये भी एक सच्चाई है कि आजसू अगर बीजेपी से अलग होती है तो विपक्ष के फोल्डर में एक दल की संख्या बढ़ जाएगी और ये एक परेशानी का सबब भी हो सकता है। जी, मैं मौजूद हूं इस वक्त जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर, जिनका सरकारी आवास है, और वो हेमंत सोरेन अभी अपने आवास पर नहीं है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर वो सीटों के अलग अलग समीकरण, जो आज की तारीख में बदले हुए परिवेश में जो पैदा हुई हैं या तैयार हुई हैं, उसका गहन चिंतन विश्लेषण कर रहे हैं। हालांकि जेएमएम के पास भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अप्रोच कर रहे हैं जो विक्षुब्ध हैं और इस सिचुएशन से उनको तकलीफ़ हो रही है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं। अभी आज की जो लिस्ट 15 की जारी हुई है उसमें गंगोत्री कुजूर जो हैं वो मांडर से टिकट कटा है उनका, और पहले भी बहुत सारे लोग जो टिकट इनका कटा है, ताला मरांडी की आज मुलाकात हुई थी सुबह सुबह हेमंत सोरेन से, और ताला मरांडी की ज्वाइनिंग भी मुझे लगता है कि कल हो जाएगी, लेकिन उनको चुनाव में टिकट देने की उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि उनको एक स्टार कैंपेनर के तौर पर इस चुनाव में भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। और ये आश्वासन उनको दिया गया है कि अगर सरकार हर सब में आते हैं हम तो आपको एक सम्मानित पद जो है वो से सुशोभित किया जाएगा। तो बहुत ही वेट एंड वॉच और केयरफुलनेस के साथ विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है, और आप देखेंगे कि विपक्ष में जो महागठबंधन का जो भी स्वरूप है, उसको महाना शब्द में से अगर न जोड़े तो गठबंधन का जो भी विपक्ष का स्वरूप है, बहुत शांति से अपनी चालें चल रहा है।
और उसके उसके मुआफिक होती जा रही हैं चीज़ें, उसके अनुरूप होती जा रही हैं चीज़ें। बिल्कुल। लेकिन अभी जो डिस्कशंस आप लोग कर रहे थे, ऋषिकेश थे, अजय लाल थे, आकाश थे और अविनाश थे, इसमें जो जो मैसेज जनता सुनना चाहती थी वो ये था कि संबंध विच्छेद हुआ कि नहीं, संबंध विच्छेद हो गया है इसका फाइनल ऐलान ना आशू कर रही है ना बीजेपी कर रही है। तो मुझे एक साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना, बहुत ही पॉपुलर गाना, और उसकी दो लाइनें याद आ रही हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस अफसाने को एक खूबसूरत मोड़ दे करके छोड़ दिया है। 9 सीटें छोड़ दी हैं हमने आपके लिए, बाकी आप समझिए। हम दिक्कत यह है शानवाद की सियासत में कोई खूबसूरत मोड़ होता नहीं, वो ऐसा अगर कहीं मोड़ दिख जाए तो मैं भी देखना चाहूँगा। बहरहाल बहुत आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, फिर आते हैं हम सब अपने जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और जमीनी हकीकत समझने की कोशिश करेंगे।